नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में विस्फोट हुआ है जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट जिले के तारकीपोरा डुरू इलाके में टाटा मोबाइल वाहन के अंदर हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर है। वो आज रीवा पहुंचेंगे जहां सिरमौर में एक जनसभा को वे संबोधित करेंगे। खलिस्तानी समर्थकों के खिलाफ राज्यों में एनआईए की रेड चल रही है। पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4 और यूपी दिल्ली में 1-1 जगह पर छापेमारी चल रही है। उत्तर इराक में एक विवाह हॉल में आग लगने से कम 100 लोगों की मौत हो गई और 150 अन्य घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में अहम जानकारी सामने आई है कि अगले महीने नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। घरेलू बाजार आज बुधवार को लगातार 7वें दिन नुकसान की राह पर है। दोनों प्रमुख सूचकांकों बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने कारोबार की शुरुआत आज भी गिरावट के साथ की है। बाजार पर पिछले सप्ताह से लगातार दबाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का अहमदाबाद के साइंस सिटी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर रखे गए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी वे करेंगे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शिक्षा में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा जिससे उनके सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पूरे दिल से समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं दी गई। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष किसने बनाया, किसने समर्थन दिया, क्या इसका कोई सबूत है? विधानमंडल दल कोई राजनीतिक दल नहीं और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राजनीतिक दल के घटक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समेत राज्य के ट्रेड एसोसिएशन को 2 महीने के अंदर दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि मराठी पाटा के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संघर्ष को आज के फैसले से पहचान मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गैंगस्टर अरुण गवली का 28 दिनों का फरलो मंजूर कर दिया है। अरुण गवली फिलहाल नागपुर जेल में बंद है। उसके फरलो की याचिका को डीआईजी ने खारिज कर दिया था। भारत को शूटिंग के अलावा अब सेलिंग में मेडल मिला है। विष्णु सर्वनंद ने मेंस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के लिए दिन का 6ठा मेडल है। इसके पहले शूटिंग में 2 गोल्ड समेत 5 मेडल भारत को हासिल हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में बारिश का खतरा मंडरा रहा है। एशियन गेम्स 2023 में क्रिकेट पुरुष इवेंट का पहला ग्रुप स्टेज मैच नेपाल और मंगोलिया के बीच हंग जाओ के पिंग पेंस गेम्स के क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड्स बने। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म टाइगर 3 का दमदार टीजर आज आउट हो गया है। टीजर बेहद ही दमदार है और लग रहा है कि टाइगर 3 जबरदस्त एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल के लाइफ पर बेस्ड है और फिल्म में अक्षय कुमार ने जसवंत गिल का किरदार निभाया है। वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा, पुलकित सम्राट, मंजू सिंह और पंकज त्रिपाठी की फिल्म फुकरे 3 रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेटेड सितारों की लिस्ट का ऐलान हो गया है। इस साल लिस्ट में कई भारतीयों के नाम भी शामिल है जिसमें भारत से शेफाली शाह, जीव सर्व और वीर दास का नाम भी शामिल है। शाहरुख खान और अंतारा स्टारर जवान कमाई के मामले में सभी फिल्मों को पीछे छोड़ आगे निकल चुकी हैं। जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाना अब आने वाली फिल्मों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। इसी बीच हर किसी की नजरें जवान के 20वें दिन की कमाई पर टिकी हुई हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।